तो सुपरस्टार रजनीकांते लांबा समय थी चाली रहेली अटकळो पर आजे पूर्ण विराम मूकी दीधुं छे। आखरे रजनीकांते राजनीति में प्रवेशवानी जाहेरात करी दीधी छे। 2017 ना वर्ष में छेल्ला दिवसे आ जाहेरात करता रजनीकांते कह्युं कि राजनीति में आववुं नक्की छे, हुं राजनीति में आवी रह्यो छुं अने आजनी सौथी मोटी जरूरियात छे। रजनीकांते कह्युं के ते पोतानी अलगथी नवी राजकीय पार्टी बनावशे अने तमिलनाडु में आगामी विधानसभानी चूंटणी लड़शे अने तमाम बैठक पर पोताना उम्मीदवार उभा राखशे। तो रजनीकांते कह्युं के मारी पार्टी में मंत्र हशे सत्य, मेहनत अने विकास। आ साथे रजनीकांते कह्युं के राजनीतिनी दशा घणी खराब छे, तमाम राज्य आपणो मजाक बनावी रह्या छे अने हुं जो राजनीति में न आवुं तो लोको साथे दगो थशे। रजनीकांते राजनीति पर बोलता कहूं कि तमाम नेताओ अपना पैसा लूटी रहा है और हवे आ राजनीति ने जड़मूड़ थी उखाड़वानी जरूर है। ज्यां पण सत्ता नो दुरुपयोग थशे हुं त्यां विरोध में उभो रहीश अने चारे तरफ भ्रष्टाचार है। तो राजनीति नुं मात्र नाटक चाली रह्युं छे। जो कि रजनीकांते राजनीति में प्रवेशवानी जाहेरात करता ज तेमना समर्थकों में खुशी नी लहेर छवाई गई हती अने लोको उजवणी करता नजरे पड्या हता। तो सुपरस्टार रजनीकांते लांबा समय थी चाली रहेली अटकळो पर आजे पूर्ण विराम मूकी दीधुं छे। आखरे रजनीकांत पटेले राजनीति में प्रवेशवानी जाहेरात करी छे। 2017 ना वर्षना छेल्ला दिवसे आ जाहेरात करता रजनीकांते कह्युं कि राजनीति में आववुं नक्की छे, हुं राजनीति में आवी रह्यो छुं अने आ आजनी सौथी मोटी जरूरियात छे। तो रजनीकांत तमिलनाडुनी आगामी विधानसभा में तमाम बैठक पर पोताना उम्मीदवार उभा राखशे अने भ्रष्टाचार विरुद्ध लड़ाई लड़वानी जाहेरात करी छे। तो बीजी तरफ रजनीकांतना समर्थकों में भारे खुशी नो माहौल छवाई गयो छे। तो ठेर ठेर समर्थकों में जश्ननो माहौल जोवा मळ्यो। तो समर्थकों ए उजवणी करीने रजनीकांतना निर्णय ने समर्थन आप्युं छे।